अब्बास का पहला है। जब अब्बास का नाम आया, कासिम की आवाज आई, भुफी में यतीम होने वालों बीबीनों के कह दिए ये तो अमीर कासिम है। कासिम कहता है अब यतीम कासिम हूं। आबाद रहो, आबाद रहो, सैयदा राजी हो जाए। आखिरी में लफ्जों से करीब हूँ, आखिरी में फिक्रा कहने लगा, ये नसीबों का मातम है। जाकिर मौलवी का कोई कमाल नहीं होता, अल्लाह मेरा जानता है। हसन इमाम को जहर मिली है, सारी बहने हसन इमाम के हुजरे में है, सारे भाई हसन इमाम के हुजरे में है। जहर, जहर की गर्मी, जिगर के टुकड़े। सबसे पहले सैयदा ज़ैनब पहुंची। जब सैयदा ज़ैनब हुजरे में पहुंची है ना, उस वक्त कासिम की मां ने जल्दी से कपड़ा लिया, कपड़ा लेके जहां जिगर के टुकड़े गिर रहे थे ना मुंह से, उम्मे फरमा ने ऊपर चादर दे दी ताकि हसन की बहने ना देखे। उस वक्त बीबी ज़ैनब ने भरजाई का हाथ पकड़ के कहा, भरजाई मुझे ये टुकड़े अपने हाथों में लेने, और मैं माँ के जख्मी पहलू पे पटिया करती रही, मैं पापा के सर पे कूफे पे पटिया करने वाली ज़ैनब। अभी भाई के सराहने ज़ैनब रो रही थी कि हसन इमाम ने अपने भाइयों की तरफ देखा, हुसैन करीब आए, करीब आके हसन का चेहरा हुसैन ने चूमा और चूम के कहते हैं, भैया किसे ढूंढ रहे हो? जब गाना किसे ढूंढ रहे हो? हसन रो के फरमाते हैं, मेरे अब्बास को किसी ने खबर नहीं दी, और शर्मा के पुरसा नहीं देना, इनके घर में कुर्राया करो। हसन रो के फरमाते हैं, मेरे अब्बास को बड़े नाज थे सैयदों को, बड़े मान थे औलाद ज़हरा को, तेरे अलमों वाले मौला अब्बास पे। जब हसन ने कहा ना, मेरे अब्बास को किसी ने खबर नहीं दी, हुसैन बोल के फरमाते हैं, हवेली से अब्बास भी आया था, या किबला हुजूम जो था हुजरे का दम किया, और अब्बास के चेहरे को हुसैन ने देख के कहा, हसन हसन भी वो सामने बरामदे में अब्बास है, अंदर नहीं आ रहा। जब गाना अंदर नहीं आ रहा, हसन फरमाते हैं, हुसैन अब्बास से पूछो, जब सारे मेरे सराहने हैं, अब्बास अंदर क्यों नहीं आ रहा? हुसैन क्या पूछना था? अब्बास ने दीवार से सर मार के कहा, मैं अंदर कैसे आऊं? ज़ैनब नंगे सर है, अली की बेटियां नंगे सर है, और ज़ैनब कुलसूम का नंगा सर, अल्लाह मेरा जानते है। इसी हसन का जनाजा जब भाई उठा के किबला नामे के रोजे की तरफ आए हैं, मुझे माफ करेंगे आप, जनाजा मोहम्मद हनफिया ने उठाया, जनाजा ज़ैन अल-आबिदीन ने उठाया, जनाजा हुसैन ने उठाया, जनाजा अब्बास ने, या किबला हुसैन की नजर पड़ी, आगे तीन कमानों पे नजर आए, एक औरत खच्चर पे सवार थी जिसने इशारा किया, मारो तीर, 5,500 कमान गढ़ की, 70 तीर हसन के जनाजे पे लगे। इधर तीरों का लगना था, अब्बास ने जनाजा छोड़ा, जनाजा छोड़ के अब्बास अपनी हवेली के दौड़ा, ज़हरा की बेटियां और जिन भाइयों के जनाजे घरों से उठते हैं, उनकी बहनें हुजूरों में नहीं होती, ज़ैनब दरवाजे पे थी, मेरे एक मिनट पीछे थे, ज़ैनब दरवाजे पे थी, ये सैयदा की नजर ग़ाज़ी के पास पे पड़ी, रोके फरमाते कुलसूम मैं उजड़ गई, और लेके तो जनाजा गए थे, अब्बास तलवार लेने क्यों आ गया? अब्बास फरमाता बीबी मैं भी जिंदा हूँ, हसन के जनाजे पे तीर लग जाए, ये सैयदा की आवाज आए, अब्बास लड़ना ना, हुसैन गरीब है, मदीने में ना लड़ना, मदीने में ना। इधर हुसैन ने अब्बास से कहा, जनाजा उठाओ, जनाजा उठाया गया, जनाजा कब्रिस्तान की बजाय सैयदों के घर में आया, जनाजा आने की देर थी, कोई तीर ज़ैनब ने निकाला, कोई कुलसूम ने निकाला, और तड़प के कहती है, ये हसन के जनाजे पे जो तीर है, मेरा अब्बास कहाँ है? मात में हसन, मात में इमाम, या हसन।
में।